का स्वान। गोरख योगी ज्ञान यज्ञ करी तत्वेता तरबीत, सतगुर से भेंटा भया फिर हो गए शब्द अतीत। सेऊ सम्मन यज्ञ करी शीश भेंट कर दीन, सतगुर मिले कबीर से शीश चढ़े फिर सीन। कबीर यज्ञ जैसी करी ऐसी करे न कोए, नौ लख बॉडी विस्तरी ही केसो केसो होए। अपना आत्मा और परमात्मा हमें बताते हैं कि धर्म तो दस का नहीं, दस का तीनों लोक, और खैर आए तो मैं खैर है कि जे आत्म पोख है। अब इसमें बहुत से प्रमाण दिए हैं जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं। क्या बताए हैं कि जैसे सत साधना आपके पास नहीं है और आप ये धर्म यज्ञ भी करते हो, उस धर्म यज्ञ का भी फल आपको बहुत मिलता है। और उस धर्म को कैसे करे, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बांचे नीतास का अमरापुर जावे। अब जैसे आप जी यहाँ आते हो और 10 ये एक हॉस्पिटल है जन्म मरण के रोग काटने का, और 10 यहाँ का डॉक्टर है, परमात्मा के हॉस्पिटल का नौकर है। और आप जी को आते ही यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाने का हम तरीका ऑटोमेटिक बना रखा है। जो यहाँ आ गया उसको ट्रीटमेंट यहाँ प्रवेश होते ही शुरू हो जाता है उसका। वैसे भी कोई आ जाता है उसका भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जैसे आते उसको भोजन कराते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, बैठ जा भाई, ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। किसी के पास भी बैठा या दूसरी बात तो सही नहीं, सब बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा इस दास ने इस अमृत से भर रखे हैं, खूब ओत प्रोत कर रखे हैं। और वो तुरंत ही उनका स्वभाव बना हुआ है, आते ही उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, वो अमृत उसके कानों के माध्यम से डालना शुरू कर देते हैं, वो ज्ञान यज्ञ का फल उसको प्रारंभ हो जाता है। और भगवान का भोग लगता प्रतिदिन यहाँ पर, उसे बचे हुए अन्न को भी जो यहाँ खाता है उसको भी पुण्य शुरू हो जाते हैं। फिर जो उपदेश लेने आता है तो उसको दंडवत प्रणाम ऑटोमेटिकली तरीका बना रखा है, ग्लूकोज चढ़े चढ़ेगी यहाँ पर। और फिर आदमी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक इतनी आस्था है, 10 रुपये 2 रुपये जरूर दान भी करने की चेष्टा करता है। तो यज्ञ शुरू होगी, ग्लूकोज स्टार्ट हो गया उसका। फिर दर्शन करने आता है आशीर्वाद परमात्मा का इस दास के माध्यम से, कबीर भगवान की शक्ति वो प्रवेश की जाती है। और फिर ये ओरिजिनल कैप्सूल यानी जाप के मंत्र बताए जाते हैं, और इस प्रकार ये आपका कल्याण हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे इसमें कई प्रकार के उदाहरण दिए हैं, जो अभी वाणी आपको सुनाई दास ने, इसको समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा कृपा बख्श है, जिसकी ज्ञान योग खोल दे वही इस ज्ञान को प्रभु कृपा से समझा सकता है। अपनात्मा जैसे नानक जी थे, श्री नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उनको सतनाम दिया था, और उनको ये आदेश दे दिया था कि इस नाम को आप अभी किसी को नहीं देना। और उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे, परमेश्वर ने भी 5 मंत्र दिया करते थे, जो आपको 7 मंत्र हैं पहला और लास्ट छोड़ के बीच बीच के कबीर साहब दिया करते थे। सतनाम किसी को नहीं दिया था, और धर्म का उदाहरण दिया दाता ने, स्वयं कपड़ा बुनते थे कबीर परमात्मा, और जो भी कपड़े बुनने से जो मेहनताना आता था उसमें अपने घर के लिए जितना भी आवश्यक सामग्री थी वो लाकर जितना भी पैसा बचता था उसको पुण्य में लगाते थे, धर्म करते थे। हमारे को वो एक उदाहरण पेश कर गए कि तुम ऐसे करते रहो और इस पिछली पीढ़ी तक आपको लाना था। अब नानक साहिब जी को भी परमात्मा ने यही फार्मूला बता दिया था कि आप के जो भी संपर्क में आवे उसको धर्म का रास्ता बताना, और इस धर्म से जैसे
सबसे ज़्यादा धार्मिकता जो है भंडारिया की सिख धर्म के अंदर है। किसी भी गुरुद्वारा में आप जाओगे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री भोजन होगा, दान आप दक्षिणा दो या ना दो। और जितने भी संत वो हैं गुरु, ये 10 गुरु, ये सभी भंडारे ही किया करते थे और उनके पास नाम नूम तो थे नहीं, वो धर्म यज्ञ करवाया करते थे। सभी भक्त आ जाते और वाहे गुरु करें जाते। वाहे गुरु का अर्थ है पूर्ण परमात्मा, और परमात्मा की वाणी भी पढ़ते थे, उससे ज्ञान यज्ञ हो जाता, भंडारे से धर्म यज्ञ हो जाता, दंडवत प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, इससे तीसरी यज्ञ हो जाती। ये 3 यज्ञ वो किया करते थे और चौथी यज्ञ ये ध्यान भगवान में श्रद्धा बनी रहती है। तो उन यज्ञों से भी ऐसा कुछ राहत मिलती है कि वो कुछ बैटरी चार्ज हो जाती है और एकाध मनुष्य शरीर मिल सकता है, ज़्यादा नहीं उनको मिल सकता जिन्होंने पहले परमात्मा के संग या परम संत के साथ कभी कोई भक्ति कर रखी हो। सत उस मंत्र की जैसे 5 मंत्र भी दिए जाते थे, इनसे भी मनुष्य जीवन आपके बनते रहते थे और आशीर्वाद से भी आपको परमात्मा ने भक्ति युक्त कर रखा था 600 साल पहले। अब वही आत्माएं हैं जो कुछ सिख धर्म में, कोई हिंदू धर्म में, कोई मुसलमान धर्म में, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी काल ने। उस कारण से उनके धर्म करने से उनका जो संसारिक जो खर्च था वो उस धर्म से निकलता रहा और जो मंत्र की कमाई थी जो परमेश्वर के साथ उन्होंने की थी वो बची रही, उससे मनुष्य जन्म मिलता रहा। तो इस पिछली पीढ़ी तक आप पहुंचाने थे परमात्मा ने, ये तरीके बना के। अब इसमें क्या बताया है, इसमें बहुत गहराई बातें हैं जो अब प्रसंग नहीं पूरा कर पाएंगे, अधूरा छोड़ने से फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हम इतना बताना चाहते हैं, जो आपको ये बताया कि आप जी को अभी तक जो धर्म भंडारों की जो रिवाज बनी हुई थी ये इसलिए था कि इससे कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सही मंत्र नहीं होगा चाहे आपको लाख मनुष्य जीवन मिल जाए तो बिराना माटी रहेगी, क्योंकि उस मंत्र बिन मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने ये कृपा की आप जी के ऊपर कि ये रास्ता बताया और आपको कलयुग के इस भक्ति काल तक आपको ले आए। अपने आत्माओं इसमें एक प्रसंग आया है, पति भरता नारी घरों आन पुरुष नई ने, अपने पति की बंदगी ये दुर्लभ दर्शन ए। अब साधना करते समय हमने अपने परमात्मा के प्रति पतिव्रता बनना पड़ेगा। हम पतिव्रता पद से गिरने से काल के जाल में फंस गए। सतलोक के अंदर हम अपने परमात्मा को छोड़कर इस नकली भगवान काल को चाहने लगे और उस भयंकर गलती का दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं। अब हमने वहाँ जाना है तो उसी स्थिति में फिर आना होगा, काल से मन हटाना होगा, या हर चीज़ काल की जो भी कच्चे खिलौने हमने ये इनकी इच्छा मिट जानी चाहिए। वैसे तो भगवान जो देगा ठीक है, हमने जब तक टाइम पास करना है वो कार दो, कोठी दो, ना दो, बेटा दो, बेटी दो, ना दो, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे हित में जो होगा वही आपको क्रय कराओगा भगवान। क्योंकि जब मरीज डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है फिर वो मरीज की नहीं चल रहा, डॉक्टर की चल रहेगी, जो वो करेगा उसके हित में वो फायदा ठीक ही होगा। तो ऐसे बाप आगे परमात्मा के हॉस्पिटल में और आपके जन्म मरण का रोग काटने के लिए जो भी आपके हित में होगा वही होगा। मरीज तो पता नहीं कि के डिमांड करे मुझे फलानी चीज़ दे दो खान में, हैं अब बीपी आई हो और हलवा मांगे देसी घी का, डॉक्टर अलाउड नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा है, चाह भी है, देखे पाचे दिल भी करे खान में, पर नहीं, उसका उसके लिए विष है। तो ऐसे ही जो डिमांड आप जी करोगे यदि आप मोक्ष चाहते हो और काल के जाल में रहना है या मरना चाहते हो तो खा ले लुआ, और नहीं तो भाई मोक्ष चाहते हो, रोग कटवाना चाहते हो तो अपने हिसाब से खिलाए जाएंगे तुम्हारे को, जो भी खिलाना होगा परमात्मा वही देगा। हम काल के जाल में फंसे पतिव्रता पद से गिर जाने से,
और फिर हमने अब अपने परमात्मा पर उसी स्थिति में आना पड़ेगा। है कैसे आना पड़ेगा? हमने अपने कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी देवता के सामने कोई डिमांड नहीं करनी अपने घर की, सुख की, किसी सुविधा की। पति भर्ता जो होती है वो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य, चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए, उसकी आस्था नहीं बन सकती, उसका स्वभाव ऐसा होता है। और पति भर्ता का अर्थ ये भी नहीं होता कि वो अपने पति के अतिरिक्त औरों के साथ फिर खेचैतानी रखे। अब जैसे एक घर में लड़की पत्नी रहती है, उसका पति है, सास ससुर जेठ देवर पूरा जो है फैमिली होता है, रिश्तेदार भी आते हैं,